बस 7 दिन तक रोजाना 15 मिनट के लिए इसको लगाओ, चेहरा टेन शेड तक गोरा हो जाएगा। हेलो, आई एम नैना एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ एक ऐसा प्रोटीन युक्त मास्क जो कि आपकी स्किन के लिए न सिर्फ डलनेस को दूर करता है, एजिंग ऑफ साइंस की प्रॉब्लम को दूर करता है, बल्कि ये आंखों के नीचे जो काले घेरे हो गए हैं, कहीं पर भी स्किन में डार्क डार्क पैचेस हैं, या फिर आपकी स्किन बहुत बहुत ज़्यादा ऑयली सी रहती है और स्किन में बिल्कुल भी चमक नहीं है, तो उन सभी के लिए ऑल ऑफ पर्पस दिस रेमेडी श्योरली मैं कह सकती हूँ इतनी ज़्यादा इफ़ेक्टिव है कि अगर आपने इसको 15 मिनट के लिए रोज़ाना इस्तेमाल किया तो स्किन में 4 चांद लग जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कैसे आप इसको प्रिपेयर करेंगे। बेनिफिट भी मैं आपको बताऊंगी किस तरह से ये एक्चुअल में बेनिफिशियल हैं और इसके लिए आपको क्या करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल, मैंने यहाँ पर एक रात पहले इस रेमेडी के लिए प्रिपरेशन कर दी थी। तो इस रेमेडी के लिए मैंने जो खसखस के बारीक दाने, जो कि आपको किसी भी किराना स्टोर पर बहुत आसानी से मिल जाएंगे, खसखस के दाने और 4 से 5 बादाम, दोनों को मैंने ओवरनाइट भिगा करके फ्रिज के अंदर रख दिया था। खसखस के जो दाने होते हैं, खसखस जो होती हैं, स्किन की टैनिंग को दूर करती हैं और डार्क पैचेस को दूर करती हैं। बादाम विटामिन ई से भरपूर होता है जो कि स्किन के रिंकल्स फाइन लाइंस को दूर करने में हेल्प करता है। तो यहाँ पर बादाम और खसखस को भिगाने के बाद में ओवरनाइट इसको वॉश करने के बाद में आप इसको स्ट्रेन कर लीजिए। तो यहाँ पर मैंने इसको स्ट्रेन कर लिया। खसखस जो मैंने भिगाई थी और बादाम, ये मैंने छील करके ले लिए हैं, इनका छिलका मैंने उतार दिया और ये अच्छी तरह से अब हम इनका पेस्ट बनाएंगे। तो मिक्सी में आप इसका पेस्ट ना बनाएं, इस तरीके से सिल पत्थर पर ही इसका पेस्ट बनाएं ताकि ये एक्चुअल में आपको बेनिफिट दे और बहुत ज़्यादा स्मूथ इसका पेस्ट बनाना है। तो एकदम बारीक स्मूथ पेस्ट बनाने के लिए मैंने इसको अच्छी तरह से पीस लेना है। दोस्तों, इस पेस्ट का एक बहुत अच्छा बेनिफिट ये होता है, जो लोग बहुत ही ज़्यादा स्किन जिनकी टैन हो चुकी हैं उनके लिए बहुत बेनिफिशियल होता है, और आपकी स्किन के ऊपर जो टैन की लेयर जब उतरती है तो स्किन नीचे से क्लीन और क्लियर दिखती है। तो यही वजह होती है आपकी स्किन के ऊपर जो डार्कनेस दिखती है वो नीचे की खूबसूरती को छिपा देती है, इसीलिए आप डार्कनेस को रिमूव करने के लिए इस मास्क को ज़रूर ट्राई करें। इस पेस्ट को हम अच्छी तरह से बना लेंगे, अच्छी तरह से इसको पीस लेंगे और इसी के साथ में मैं यहाँ पर गुलाबरी का रोज़ वाटर डालूंगी। थोड़ा थोड़ा करके रोज़ वाटर डालो और इसको मिक्स कर लो अच्छी तरीके से, और मिक्स करने के बाद में दोस्तों आप यहाँ पर मैंने इसके अंदर डाल दिया है 2 से 3 चम्मच दही, और दही को मिक्स करने के लिए भी मैं इसको अच्छी तरह से पीस लूंगी। और इस पेस्ट को अब आप एक बॉल के अंदर निकाल लीजिए। अब ये देखिए दोस्तों, ये पेस्ट आपका तैयार है। ये पेस्ट आप चाहे तो ऐसे ही स्किन क्लींसिंग के लिए यूज़ करेंगे तो भी बहुत बेनिफिशियल है, लेकिन अगर आप इसको और भी ज़्यादा इफेक्टिव बनाना चाहते हैं तो इसके अंदर मैंने डाला है 2 से 3 चम्मच ग्राम फ्लोर यानी बेसन, और इसको अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। अच्छे से मिक्स करने के बाद 2 चम्मच एलोवेरा जेल डालेंगे और फिर से अगेन इसको मिक्स कर लेंगे। ये एक ऐसा स्मूथ और पावरफुल मास्क है जो कि स्किन टैनिंग के साथ साथ डार्क पैचेस, डार्क धब्बे, इन सभी को दूर करता है, स्किन को बहुत ज़्यादा ग्लोइंग, साफ और गोरा करता है। तो इस मास्क को चेहरे पर आपने अप्लाई करना है, और अप्लाई करने के बाद 15 मिनट इसे छोड़िए। जब ये ड्राई हो जाए तो स्किन से रब करते हुए इसको निकाल दीजिए। अगर चाहते हैं अमेजिंग रिजल्ट्स तो रोज़ाना ट्राई कर सकते हैं, इसको बना करके फ्रिज में रख लो एंड डेली आप इसे 15 मिनट के लिए ज़रूर ट्राई करें। और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी है तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। लेटेस्ट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक करें।